दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स और कैटेगरीज के कैशलेट डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके अपकमिंग बैंक के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। यहां पे मैं सारे कैशलेट को बेसिक से एडवांस तक बनाना आपको सिखाऊंगा, क्या क्या अप्रोच, क्या क्या टेक्निक्स आपको फॉलो करने हैं, बिना इक्वेशन फ्रेम के कैसे कैशलेट को सॉल्व करना है, टैबुलेशन का क्या रोल रहता है, सब कुछ बारीकी के साथ इस सेशन में हम लोग सीखेंगे। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ एक बार सेशन को लाइक करने के साथ सेशन को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंच पाए और ये एफर्ट्स, ये मेहनत रंग ला पाए। मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं आपको करियर डिफाइनर के साथ अनएकेडमी पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं, वहां वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स में से एक हूं। तो आप मुझे वहां अनएकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं अनएकेडमी का, तो अभी एक बेहतरीन कोर्स आप लोगों का चल रहा है, ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको फ्लैट 25% का ऑफ देखने के लिए मिल रहा है आपके अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन पे, वो भी इस कोड के साथ CD Live। बट अगर आप 2 साल का यानी कि 24 months का कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, तो 2 साल में 1 साल का आपको फ्री वैलिडिटी मिल रहा है, मतलब पूरे के पूरे 3 साल के लिए आपको अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और वो भी आपको 25% ऑफ के साथ। तो इस पूरे के पूरे ऑफर को अवेल करने के लिए आप कोड लगा सकते हो सेम CD Live, CD स्टैंड्स फॉर करियर डिफाइनर फॉलोड बाय लाइफ, और इससे आपको जो भी कोर्स लेने हैं आप अपने ले सकते हो। और अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो, तो उस टाइम पे भी जो सबसे बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट आपका चल रहा होगा, वो भी आपको इसी CD Live कोड से मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस कोड को अप्लाई कर रहे हैं व्हाइल परचेजिंग योर कोर्स। एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप सारे टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप मेरे बैचेस की बात करो, तो मेरा प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और मेरे 2 courses अभी चल रहे हैं, एक कंप्लीट एरिथमेटिक कोर्स 12:30 PM, जहां पे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस कर रहे हैं, और एक आपका कंप्लीट कोर्स ऑन कैशलेट डेटा इंटरप्रिटेशन का ही चल रहा है इवनिंग 7 PM पे। तो इन दोनों कोर्सेज को एनरोल कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे फ्री क्लासेस जो है वो 4 PM चल रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्लासेस आप लोग एक्सेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और साथ ही साथ करियर डिफाइनर पे भी मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाता हूं, तो इन दोनों जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए और लेट नहीं करते, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला कैशलेट डेटा इंटरप्रिटेशन आप सभी के सामने मैं ला रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दिया है। तो सवाल नंबर 1 आप सभी के स्क्रीन पे ही रहा, चलो डन बोल दीजिएगा एक बार, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। इजी से चलेंगे, वार्म अप करो पहले। नया बैच बिगिनर्स के लिए इसी महीने के मिड में आएगा, एक नया बैच आ रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन का 11 तारीख, और उस 11 तारीख के डेटा इंटरप्रिटेशन के प्री लेवल के बैच कंप्लीट करने के बाद मैं अरिथमेटिक आपका 0 से फिर स्टार्ट करूंगा, ठीक है? चलो मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। हेलो 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 हेलो, थोड़ा फुर्ती दिखाओ यार, बहुत से कैशलेट्स हैं, एक एक करके सभी सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भी आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। न्यू बैच किस में होगा? अनएकेडमी प्लस पे होगा 12:30 PM, ठीक है, डन। समर्थ जी बोल रहे हैं, रॉबिन भाई बोल रहे हैं, डन, स्टार्ट करें, डन। तो चलो बहुत बढ़िया, ईजी है, वार्म अप इसी से स्टार्ट करेंगे, यही एग्जाम लेवल आएगा। उसने कहा नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वर्क इन 4 different companies PQRS। तो मैंने कहा आप सबसे पहले PQRS कंपनीज बना दीजिए, ठीक है सर, PQRS मैंने कंपनी बना दिया, उन कंपनीज में आप मेल कॉलम बना दो और फीमेल कॉलम बना दो, ठीक है। आप इनको बक्से में रखना चाहो तो रख सकते हो, बिना बक्से के भी कर सकते हो। मैंने आपसे कहा कि आपके जो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय है कंपनी पी में वो 560 है, तो पी में जो आपके मेल एम्प्लॉयज है वो 560 है, यही है पी का मेल ना, तो पी के मेल 560 है। उसने कहा विच इज 100% मोर देन दैट ऑफ फीमेल, यही 100% ज्यादा है फीमेल की संख्याओं से। 100% ज्यादा मतलब 200%, 200% मतलब दुगना। अगर ये 560 किसी का दुगना है, तो जिसकी बात चल रही है वो 560 का हाफ है, तो 560 का हाफ कितना हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा आपके पास 280, डन डन। उसने कहा रेशियो जो आपके मेल और फीमेल एम्प्लॉयज के हैं कंपनी क्यू में वो 4 और 5 का रेशियो रख रहा है। मैंने कहा क्यू में आपका ये जो रेशियो है वो 4:5 का है, मैंने कहा ठीक है।
उसने मुझे कहा कि नंबर ऑफ फीमेल जो कंपनी पी में है वो इक्वल है नंबर ऑफ मेल आपके कंपनी क्यू के। तो कंपनी पी के फीमेल कितने हैं? तो तुमने कहा कंपनी पी के फीमेल 280। वो किसके साथ बराबर है? तो तुमने कहा मेल जो आपके कंपनी क्यू में है। मैंने कहा मेल कंपनी क्यू में, तो यही आपका 280 बन जाएगा। मैंने कहा आप ही मुझे बताओ कि अगर चार पार्ट 280 तो एक पार्ट कितने का चल रहा है? 70। तो ये जो फीमेल है वो कितना हो जाएगा? 5 पार्ट 5 × 70 यानी कि 350। वंस इन दोनों के एग्जैक्ट वैल्यूज आने के बाद आप तुरंत इन रेशियो वाले चीजों को काट लेना, हटा देना, ताकि चीजें क्रिस्टल क्लियर रहे। उसने कहा टोटल नंबर ऑफ मेल इन ऑल फोर कंपनीज इज 1760। सारे कंपनीज में अगर मैं मेल को जोड़ूं ये तो आपका जो टोटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो तुमने कहा 1760। और जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो आपके चार कंपनीज में है वो 3500। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टोटल 3500 मेल फीमेल में से अगर मेल 1760 तो फीमेल कितने होंगे? बाकी मतलब 1760 में 40 जोड़ दूंगा 1800, 1800 में 17 जोड़ दूंगा 3500, तो डिफरेंस आ गया 1740। यही आपके टोटल फीमेल होंगे। नंबर ऑफ मेल इन कंपनी एस इज 420। एस में जो आपके मेल की संख्या दे दिया गया है वो 420 दे दिया गया है। और बोला गया है कि नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी आर जो है वो 650 है। आर में जो फीमेल है वो आपका 650 है। अब आपको बताना है कि ये वाला और ये वाले वैल्यूज कितने। अब देखो यहां पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे यहां पे पूरा का पूरा ये 560, 280, 420 को ऐड करते हैं, फिर 1760 से माइनस करते हैं। मैं आपको वैसा सजेशन नहीं दूंगा। क्या आपने मुझसे पढ़ा हुआ है कि एडिशन से ही आप जल्दी डिफरेंस निकाल सकते हैं? हां सर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको 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 और ये वाला जो वैल्यू इनको जोड़ने पे 1760 आना चाहिए। हां सर। मैंने कहा 0 0 0, इसके एंड में 0 होगा तभी तो यहां पे 0 आएगा। ओके सर। मैंने कहा 6 + 8 = 14 14 + 2 कितना होता है? 16 16। ऑलरेडी 6 में एंड करता है और ये ऑलरेडी 6 है, तो यहां पे कुछ आपको जरूरी नहीं 0। 16 के 6 को यहां पे तो आपने रख लिया, लेकिन 1 अभी भी आपके पास है कैरी। 1 + 5 6 6 + 2 8 8 + 4 आपके पास हो गया 12। 12 में कितना जोड़ने से 17 बन जाएगा? तो तुमने कहा 5, वो यहां पे डेफिसिट है, वो दे दो। तो ये हो गया आपके पास 500। खत्म। अगला वाला अगर मैं आपसे कहूं तो ये कितना होगा? तो तुमने कहा सर इसको भी वैसे करेंगे 0 0 0, इसके लास्ट में 0। 5 5 10 10 8 18 है सर, 18। मैंने कहा यहां पे तो 8 नहीं चाहिए, 4 चाहिए, तो 18 में अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो वो 24 का 4 एंडिंग बन जाएगा। 24 का 4 रखने के बाद 2 अभी भी मेरे पास कैरी है। 2 + 2 4 4 + 3 7 7 + 6 13। 13 में कितना जोड़ोगे 17 बन जाएगा? सर 13 में 4 जोड़ोगे तो 460। ये भी खूबसूरत आ गया। मतलब पहला डीआई में हमने ये सीखा, इजी था, बट अप्रोच सीखे तो पूरा ऐसा नहीं कि 560 280 840 860 1260 ऐसे करके माइनस करो, फिर भी मेरा फास्ट है, टैलेंटेड हूं। चलो तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो या ऐसे करके भी कर सकते हो, वही चीज दिखाना था। ये सारे डीआई क्वेश्चंस डिकोड होने के बाद इसके एक एक क्वेश्चन जो आपको बोला जाएगा, मेल कितना परसेंट ज्यादा, फीमेल कितना परसेंट कम, मेल फीमेल का रेशियो कितना, एवरेज कितना, वही सब पूछा जाएगा, तो आप लोग निकाल लोगे। ऐसा और कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरे कैसलेट पे चलेंगे। चलो धीरे धीरे इजी से बढ़ेंगे, वार्म अप करो अभी पहले। अरे विशाल जी स्वागत है, मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपका भी जॉब लाइफ बढ़िया चले। सर आरआरबी क्लर्क में कैसलेट डीए आता है? बिल्कुल, आरआरबी पीओ में भी आता है, क्लर्क में भी आ सकता है। पीओ में तो लास्ट टाइम घुमाने वाला आया था। चलो बातचीत बंद करो। जबरदस्त प्रैक्टिस और रिविजन कर लो बस। कोई नहीं विशाल जी, आप जॉब पर फोकस करें, यहाँ पर भी फोकस करें, एग्जामिनेशंस क्लियर कर दें, बस यही भगवान से प्रार्थना है। चलो चलो ऑल द बेस्ट जिनका भी संडे एग्जामिनेशन है। चलो चलो डन आ रहे हैं। चलो मैं नंबर्स को इंग्लिश में ले लूँगा। डन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग फोकस करो यार, प्लीज़ अभी कैसलेट का क्लास है, प्लीज़ कैसलेट पे फोकस करें। अभी प्रिपेरेशन तो कैसलेट ही करवाया, ठीक है, डन। तो बहुत लोग यहाँ पे डन के साथ जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं।
कैसलेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दे या फिर एक मॉडरेट डीए? मेरे ख्याल से कैसलेट डुएबल होता है, ठीक है, अगर वेन डायग्राम या फिर मेल फीमेल का इंटरसेक्शन का कोई रोल ना रहे। लास्ट टाइम आरआरबी पीओ में वेन डायग्राम आ गया था, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया था। अगर वेन डायग्राम के अलावा ऐसे नॉर्मल है, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में आप दे सकते हो अगर आप रेशियो और परसेंटेज के साथ खेलना जानते हो। स्टार्ट करें। हाँ, मैंने कहा टोटल 2800 वोटर्स इन थ्री विलेजेस वसंतपुर, गोविंदपुर एंड विलासपुर। रेशियो ऑफ टोटल वोटर्स वसंतपुर, गोविंदपुर और विलासपुर दे दिया गया है और आगे आपको मेल दिख रहा है, तो मैंने कहा मैं टेंशन नहीं लूंगा, मैं सीधा वसंतपुर, गोविंदपुर और विलासपुर, गोविंदपुर और विलासपुर लिख लूंगा। ठीक है सर, लिख लो। मैंने कहा यहां पे मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो मैंने मेल फीमेल के दो कॉलम बना लिए। आपके पास रेशियो कितना है, तो तुमने कहा 27, 18 और 25। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, हाँ सर बोलो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और टोटल 2800 है। मैंने कहा 2800 को अभी ब्रेक कर सकते हो अगर चाहो, अगर ब्रेक ना करके कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले मैं बढ़ता हूं आगे। जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे पास क्या क्या पॉइंट सब निकल के आए, मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा जो रेशियो है मेल वोटर्स वसंतपुर में, मेल वोटर्स वसंतपुर में और गोविंदपुर में, वो 10:7 है, और गोविंदपुर में ये 10:7 है, मतलब ये 10 पार्ट तो ये आपका 7 पार्ट। ओके सर, ओके। उसने कहा जो टोटल फीमेल वोटर्स है वसंतपुर में वो 60% ज्यादा है किससे, जो टोटल फीमेल वोटर्स गोविंदपुर में है। तो मैंने कहा फीमेल वोटर्स वसंतपुर में इसकी बात चल रही है, हाँ सर, और फीमेल वोटर्स गोविंदपुर इसकी बात चल रही है, हाँ, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा, 60% ज्यादा। मैंने कहा 60% मतलब, तुमने कहा 3/5। मैंने कहा 5 पार्ट से 3 पार्ट ज्यादा, तो ये 5 पार्ट, तो ये उससे 3 ज्यादा, यानी कि 8 पार्ट। मैंने कहा ये दोनों तो अलग अलग रेशियो है, तो इसको अगर मैं 10x और इसको मैं अगर 7x और इसको अगर मैं 8y और इसको मैं 5y ले सकता हूं। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे कहा कि टोटल मेल वोटर्स इन विलासपुर आर 42.6/7% मोर देन टोटल मेल वोटर्स इन गोविंदपुर। टोटल मेल वोटर्स जो आपके विलासपुर में है, मतलब ये वाला, ये आपके 42.6/7, क्या इसका वैल्यू आपको पता है, ये 3/7 है, क्योंकि आपका जो 14.2/7% होता है वो 1/7 होता है। ध्यान से देखो तो 42 का 3 टाइम्स होता है 14 का 3 टाइम्स 42 और 2/7 का 3 टाइम्स 6/7, तो ये वैल्यू पाने के लिए इसका 3 गुना फ्रैक्शन आपको चाहिए, तो इस फ्रैक्शन का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3/7। तो आपके जो मेल वोटर्स हैं विलासपुर में वो आपका 7 में से 3 पार्ट ज्यादा है किससे, जो मेल वोटर्स गोविंदपुर में है। मैंने कहा मेल वोटर्स जो आपके, हाँ, मेल वोटर्स जो आपके गोविंदपुर में, अगर वो 7 पार्ट, तो ये उससे 3 पार्ट ज्यादा, यानी कि ये 10 पार्ट होगा, तो ये बन गया आपके पास कितना, 10x। तो सारे चीजें आपके सामने क्लियर है, अब बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप अगर इस 2800 को ब्रेक कर दो, जैसे कि 2800 को अगर मैं 27 + 18 = 45, 45 + 25 = 50, 70 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, तो एक पार्ट कितने का आएगा, तो तुमने कहा एक पार्ट 40 का। उसी हिसाब से आपका जो टोटल पॉपुलेशन यहां पे हो जाएगा वसंतपुर में, वो 27 × 40 यानी कि कितने का बन जाएगा, तो तुमने कहा 1080। 18 पार्ट्स कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा 720। ये 25 पार्ट्स कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा 1000। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इक्वेशन दिखा आपको, सर मुझे तो दिख गया, आपका पता नहीं। मैंने कहा क्या इक्वेशन है, सर अगर मैं इनके दोनों मेल और फीमेल को ऐड करूं 10x + 8y, तो ये 1080 होना चाहिए। मैंने कहा अगर 7x + 5y को ऐड करूं, तो ये कितना होना चाहिए, 720 होना चाहिए। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने कहा सॉल्व कर लो, आप अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो, अगर कुछ बैलेंस वैलेंस करें, ये तो लीनियर इक्वेशन तो थोड़ा लेंदी होगा, बैलेंस, एक सेकंड का समय दो। आप एक काम करो, आप इसको रेशियो से ले सकते हो, आप एक्स और वाई का एक यूनिक मेथड बताएं, एक यूनिक मेथड बताएं, अरे कुछ तो नया सीख के जाओ, रेडी हो सभी लोग, एक यूनिक मेथड, इसको अगर आप इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक यूनिक मेथड सीख लोगे, हाँ सर, क्या है यूनिक मेथड। मैंने कहा जरा मुझे बताना कि इन दोनों के बीच का जो 27 और 18 के बीच का रेशियो है वो कितना है, तो तुमने कहा सर 3/2 का है, एग्री, एग्री। मैंने कहा तो फिर यहां पे जो 10x + 8y होगा और यहां पे जो आपका 7x + 5y होगा, इसका टोटल और इसका टोटल, इनके बीच का रेशियो 3/2 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इससे मैं 20x, 16y, 21x, 15y
और y इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा कि y इज इक्वल टू x, खत्म, तो x इज इक्वल टू y बन गया। और जानते हो x इज इक्वल टू y से आपको क्या क्या बेनिफिट मिले? सर क्या क्या बेनिफिट मिले? ये अगर आपका 10 पार्ट, तो ये आपका 8 पार्ट, ये आपका 7 पार्ट, ये आपका 5 पार्ट, और ये आपका हो जाएगा 10 पार्ट, पूरे के पूरे डायरेक्ट, पूरे के पूरे डायरेक्ट। अब मुझे बताओ कि 10 और 8 18 पार्ट अगर आपका 1080 के बराबर है, तो एक पार्ट कितने का चल रहा है? तो तुमने कहा 60 का चल रहा है। तो ये 60 पार्ट, 10 पार्ट कितना हो जाएगा? 600। 8 पार्ट कितना हो जाएगा? 480। 7 पार्ट कितना हो जाएगा? 420। 5 पार्ट कितना हो जाएगा? 300। और ये 10 पार्ट कितना हो जाएगा? 600। मैंने कहा ये वाला कैसे निकालेंगे? टोटलिंग ऐड कर दो, नहीं तो ये 25 पार्ट 1000 है ना, 600 अगर यहां पे है तो यहां पे कितना हो जाएगा? 400। खत्म। क्लियर? खूबसूरत। अरे कुछ तो नया सीखे, इक्वेशन से किया मैंने। तो ऐसे भी आप इस चीज को डिकोड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसके लिए टाइम लगा, मुझे भी सोचना पड़ा। तो टाइम तो मैं भैया वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, टाइम तो मैं वेस्ट नहीं कर सकता। तो जो इंस्टेंट आए इक्वेशन सॉल्व करना है, डू इट, लेकिन तुरंत करना है। अगला सवाल बढ़े। ओके सर, ये रहा आपका अगला सवाल। (27, 18, 25) कैसे आया? गीता जी वो सवाल में दिया था, मेरा अवदान नहीं है उसमें, वो सवाल में क्वेश्चन में गिवन था। पढ़ो यार, स्टार्टिंग से जुड़ो, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से इसीलिए, और स्टिक करके रहो। थैंक यू सो मच प्रकाश कुमार सिंह जी, गॉड ब्लेस यू। प्रैक्टिस कर लो, और एग्जाम से पहले कैलकुलेट पढ़ना जरूरी नहीं होगा, गारंटी है मेरा, भरोसा रखो और बढ़ते रहो। बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो सकता है, लेकिन और गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो। कोई नहीं महावीर पंडित जी, एंड तक देखो कितने कॉन्फिडेंट रहोगे। चलो अरे अगर x इज इक्वल टू y नहीं आता तो कम से कम x इज इक्वल टू 3y आ सकता, x 2x इज इक्वल टू 3y आ सकता था, डन हो गया। अरे अगर x इज इक्वल टू y नहीं होता तो 2x इज इक्वल टू 3y, ऐसा एक रैंडम एग्जाम्पल हो सकता है। एक बार आप जब सवाल पूछे और मैं जवाब दूं, प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्या वहां से मैं x और y का रेशियो 3/2 कर सकता हूं? और x बाई वाई का रेशियो जब मैं 3/2 कर सकता हूं, मैं x के जगह 3 और y के जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। x के जगह 3 यानी कि 10x था, इसको मैं क्या लिख लूंगा? 30। ये 8y था यानी कि इसको कितना लिख लूंगा? 16। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हो, ये कोइंसिडेंस था बट ऐसे भी किया जा सकता है। अगला सवाल, सवाल बड़ा खूबसूरत है, स्टार्ट करते हैं। कल का सेशन जबरदस्त था। अरे आज तुम एंड तक देखो तो प्यार ना हो जाए कैसलेट से, बताना मुझे, ठीक है। उसने कहा एक कंपनी है जहां पे 3540 एम्प्लॉय है और आपके 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, मैनेजमेंट, एचआर, प्रोडक्शन और अकाउंट। मैंने कहा 3540 डिपार्टमेंट्स क्या है? मैनेजमेंट, एचआर, प्रोडक्शन। मैनेजमेंट, एचआर, प्रोडक्शन और अकाउंट, कुछ कुछ नया नया मेथड सीखते रहना। उसने कहा फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट, तो मेल फीमेल है, तो मैंने पहले मेल लिख लिया और फिर मैंने फीमेल लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया सर। उसने कहा फीमेल एचआर डिपार्टमेंट में 87.5% है मेल्स के सेम डिपार्टमेंट। मैंने कहा पहले तो मुझे बताओ 87.5% कितना, नहीं तो पूरा सवाल बेकार। तो तुमने कहा सर ये 7/8 है। मैंने कहा कैसे? सर 12.5% जो होता है वो 1/8 होता है, ये उसका 7 गुना करने से मिलता है। मैंने कहा रट ली हो क्या? हाँ सर रटूंगा, तभी तो क्लियर होगा। मैंने कहा शाबाश, बढ़िया। तो मैंने कहा अगर ये 7/8 है तो तुम्हारा फीमेल 7 पार्ट होगा तो आपका मेल 8 पार्ट होगा, क्योंकि कंपैरिजन मेल के साथ चल रहा है। मैंने कहा तो मेल अगर 8 पार्ट तो फीमेल 7 पार्ट, रेड कलर में कर देते हैं, ये 8 पार्ट तो ये आपका हो जाएगा 7 पार्ट। क्या यहां तक क्लियर? हां सर यहां तक तो क्लियर।
मैंने कहा कि आपका जो टोटल मेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है वो आपके 800 हैं, तो मेल्स जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है वो 800 है, ये लिख लिया मैंने, और कहा विच इज 25% मोर देन द मेल्स इन मैनेजमेंट, जो कि 25% ज्यादा है मैनेजमेंट के मेल से। बहुत से बच्चे यहां से 25% कम करके 600 बोलते हैं, जो कि गलत है। अगर वाकई में ये किसी से 25% ज्यादा है तो 25% का मतलब 1/4, तो इसमें धैर्य बहुत चाहिए। तो किसी 4 पार्ट से ये 1 पार्ट ज्यादा 5 पार्ट में बैठा है 800, 5 पार्ट अगर 800 तो 1 पार्ट 160, तो जो 4 पार्ट की रिक्वायरमेंट है वो कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा 640। एचआर का था फर्स्ट डाटा, एचआर का था फर्स्ट डाटा। ओके ओके ओके, दैट्स इट, अब सब क्लियर है, सॉरी अब सब बढ़िया है। चलो, तो मैंने कहा कि अगर ये 25% मतलब 4 पार्ट में से 1 पार्ट ज्यादा है, तो ये 5 पार्ट अगर आपका 800, तो ये 4 पार्ट आपका हो जाएगा 640, और ये कौन है, तो तुमने कहा मेल्स मैनेजमेंट के। ओ अरे अभी मैं आ जाता ना, नहीं नहीं आ जाता, हाँ आ जाता, क्यों, क्योंकि 7 पार्ट, नहीं 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 आता नहीं रे, ये 80 बना दे के मैं चला जाता, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ये मैं 80 एक पार्ट बना के चला जाता, वो 7 पार्ट को 560 करके मैं निकल जाता। चलो कोई नहीं, चलो तो मैंने कहा ये 640 है मैनेजमेंट। नंबर ऑफ फीमेल्स जो मैनेजमेंट है वो सेम एज मेल्स इन अकाउंट। ये जो फीमेल मैनेजमेंट नहीं है वो आपके किसके साथ बराबर है, जितने मेल्स अकाउंट में है उसके साथ बराबर। ये जो एरो एरो दिए गए हैं वो दोनों एरोस बराबर है। उसने कहा जो फीमेल्स अकाउंट में है वो 150 कम है मेल्स सेम डिपार्टमेंट के। मैंने कहा कि अगर फीमेल अकाउंट के 150 कम है मेल से, तो मेल्स अगर मैं यहां पे x ले लूं तो ये x से 150 कम हो जाएगा, और ये वाला आपका x बन जाएगा क्योंकि ये और ये बराबर होने थे। फिर मैंने कहा आगे, एंड 150 मोर देन फीमेल्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर 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 थोड़ा समझाओ और एक बार। मैंने कहा सुनो, ये जो फीमेल नहीं है अकाउंट डिपार्टमेंट में, हाँ सर, वो उसी डिपार्टमेंट में जितने मेल हैं उससे 150 कम है। सर हाँ ये तो मैं समझ गया, और साथ ही साथ यही चीज आपका 150 ज्यादा है किससे, जो फीमेल आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। मैंने कहा फीमेल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब इससे 150 ज्यादा। मैंने कहा सर इसको तो मैंने सॉर्ट कर दिया है, तो अब क्या करूं। मैंने कहा अगर ये किसी से 150 ज्यादा है तो वो इससे 150 और कम होगा, और अगर वो इससे 150 कम होगा तो वो कितना होगा, तो तुमने कहा वो x माइनस 300 होगा। अब x माइनस 300 का काम खत्म होने के बाद रेशियो ऑफ द टोटल एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन एंड दैट इन अकाउंट्स इज 19:15। तो प्रोडक्शन और अकाउंट में जो आपका रेशियो है एम्प्लॉय का वो 19:15 का है। तो मैंने कहा प्रोडक्शन और अकाउंट यहां का रेशियो 19:15 का है। मैंने कहा सर करते हैं थोड़ा, सर कैसे कुछ करोगे हमें भी बताओ। मैंने कहा इसका और इसका सम कितना है, सर 800 माइनस 300 500, x प्लस 500 है सर। मैंने कहा ओके, इन दोनों बक्सों के अंदर इसका सम कितना है, सर ये 2x माइनस 150 है सर। मैंने कहा इनका रेशियो कितना है, सर इनका रेशियो 19:15 है। मैंने कहा चलाओ 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 और रुको मत, ठीक है रुको मत, रुकने के लिए पैसा लगेगा। अरे ये कितना है, मैं रुक गया, करने की जरूरत नहीं थी क्या। 19:15 17 का स्क्वायर 289 माइनस अगर मैं 4 कर दूं 285 2850, और अगर मैं ये वाला चीज माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा ये कुछ बहुत ही गंदा नहीं हो रहा, 38 से अगर मैं 15 माइनस करूं तो ये 23x, ये जाके प्लस होगा ये 50, ये 75 और 28, क्या ये सभी को इतना मिल रहा है। अगर मैं इसको काटूं तो 23 चार बार जाएगा 92 92, अरे वाह x का वैल्यू कितना आ गया, तो तुमने कहा x का वैल्यू 450। And once you got the value of x, कहां कहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सर ये डायरेक्ट आ गया 450। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, और भी चीज है। मैंने कहा और क्या, सर ये x माइनस 300 है ना, तो सर ये 450 माइनस 300 ये 150 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, ये आपके पास 450 माइनस 150 हो ना, ये 300 बन जाएगा। मैंने कहा ये x आपका कितना हो जाएगा, सर ये x आपका 450 बन जाएगा। मैंने कहा इतने वैल्यूज के बाद अब वो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सर इसका इस्तेमाल करो। मैंने कहा इसका कैसे इस्तेमाल करें, सर आपको पता है हमें टोटल यहां पे कितने मिल चुके हैं। मैंने कहा कितना, तो तुमने कहा 1090, यहां कितने मिल चुके हैं 950, यहां कितने मिल चुके हैं 750, टोटल कितने मिल चुके हैं 1700,
और ये हो गया 2790। मैंने कहा अगर टोटल अभी तक 2790 मिल चुके हैं, अब कितने की शॉर्ट है, तो 50 ऐड कर दोगे 2840, 28 में अगर 7 जोड़ दोगे तो 750 शॉर्टेज है। मैंने कहा ये 750 कहां है, तो तुमने कहा इस एचआर में है। मैंने कहा जो एचआर में 750 है किस रेशियो में है, 8 और 7, 8, 7, 15 पार्ट में अगर मैं 75, 750 को ब्रेक करूंगा तो एक पार्ट 50, 8 पार्ट कितना आएगा 50 × 8, 400, और 7 पार्ट कितना आएगा 50 × 7, 350। डन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? खूबसूरत था यार, खूबसूरत था, पेपर में इधर उधर हो जाते अगर ये सवाल आ जाता तो, ठीक है चलो मजा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके लिए तुरंत, थोड़ा इजी भी कर लो कभी कभार। चलो मैं आ गया सर जी, गजब तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वी लव यू, कितना ये 3 लाख, अरे चलो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ो, ये एक ईजी है, क्लरिकल, पीओ क्लर्क, पीओ क्लर्क मिक्स करके करेंगे ना, एक क्लर्क करो पीओ किए, अभी क्लर्क करो, हाँ पिछला वाला पीओ लेवल था, ये क्लर्क है, और वो भी मैं लेंथ के बेसिस पे जज कर रहा हूँ, पता नहीं है अंदर क्या माल घुसा हुआ है। हो जाना चाहिए छोटा सा है। चलो और बढ़िया, YouTube पे भी मेंस में स्टार्ट करूंगा, बस अभी प्री का पूरा माहौल है, थोड़ा बस इस माहौल को खत्म हो जाने दीजिए। आरआरबी क्लर्क का प्री है ना सर के ऊपर, थोड़ा बस वो निपट जाए, मैं मेंस का स्टार्ट कर दूंगा। आइडियल मॉक नंबर वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अरे ये क्या इतना टाइम ले रहे हो, इसका पहला वाला तो तुमने जल्दी बनाया था। डन 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 डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये एक आइडियल टाइम मान जा सकता है। सर यही कर दें, मैंने कहा यही कर दें। सर अपने पास 3 डिपार्टमेंट्स है, एचआर है, सेल्स है, फाइनेंस है। मैंने कहा हाँ एचआर है, सेल्स है और फाइनेंस है। सर रेशियो मेल फीमेल, मतलब सर यहाँ पे कुछ मेल है कुछ फीमेल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर उसने कहा जो रेशियो है मेल टू फीमेल आपके एचआर में, वो 7 और 10 का रेशियो रख रहा है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा जो फीमेल फाइनेंस में है वो 20% ज्यादा है फीमेल एचआर का। मैंने कहा फीमेल एचआर का कितना है 10, इससे अगर वाकई में कोई 20% ज्यादा है तो 10 का 20% 2 होता है, तो 2 ज्यादा 12। अब कौन है वो? फीमेल फाइनेंस, फीमेल फाइनेंस 12 का होना चाहिए। यहां तक क्लियर? क्लियर सर। उसने कहा जो नंबर ऑफ मेल फाइनेंस में है वो 6 ज्यादा है फीमेल जितने फाइनेंस में है उससे, तो अगर मैं इसको 12x लिखूं, क्योंकि ये फिजिकल डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू की बात आ रही है, तो अगर फीमेल 12x है तो उसी फाइनेंस में जो मेल होंगे वो 12x प्लस 6 होंगे, और साथ ही साथ इसको बनाना होगा 10x क्योंकि, और इसको बनाना होगा 7x क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में ही ये 20% ज्यादा होकर था। एवरेज नंबर ऑफ मेल इन ऑल द डिपार्टमेंट इज 39। सारे डिपार्टमेंट का जो एवरेज मेल है वो 39 है। मैंने कहा एवरेज से मैं कभी इंटरेस्ट नहीं हूं। सम कितना है? सर 39, 3 डिपार्टमेंट्स, 39 × 3, 117। सर मैंने कहा थैंक यू सो मच, तो टोटल मेल 117, और जो नंबर ऑफ मेल सेल्स में है वो 35। तो सर खत्म हो गया क्वेश्चन। मैंने कहा ये तो आरआरबी क्लर्क था, मैंने बोला था आपको। उसने कहा कि नंबर ऑफ फीमेल जो सेल्स में है वो 25% ज्यादा है फीमेल फाइनेंस से, तो फीमेल फाइनेंस अगर निकल जाएगा तो सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। सर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सुनो मेरी बात। हाँ सर। मैंने कहा ये 7x, हाँ सर वो 7x, ये 35, कौन सा 35 सर? ये और ये 12x प्लस 6, ओके सर समझ रहा हूं। इन सबको ऐड करने से 117 आना चाहिए सर, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ सर। 7 प्लस 12 सर 19x होगा। मैंने कहा हाँ सर। ये 41 उधर जाके माइनस होने के बाद ये 6 और ये 76 होगा। मैंने कहा x का वैल्यू कितना आ गया? तो तुमने कहा 4। मैंने कहा x के वैल्यू 4 कंफर्म करते ही आपको कितने वैल्यूज मिल गए? सर ये 7 × 4 = 28। डन। ये 35 अपने जगह खूबसूरत बैठा है। डन। सर ये 12 × 4 = 48 में 6 जुड़ेगा 54। ये 12 × 4 = 48। ये आपका 10 × 4 = 40।
मैंने कहा ये वाला कितना होगा? सर ये वाला तो आपको बोला गया है ना कि जो नंबर ऑफ फीमेल जो यहाँ पे है सेल्स में ना, वो 25% ज्यादा है फिनेंस वाले फीमेल से। तो मैंने कहा इसका 25% कितना होता है? सर इसका 25% 1/4 12 होता है, तो 12 ज्यादा के साथ ये कितना हो जाएगा? तो तुमने कहा 60। डन डन सर, छोटा सा कैसलेट, आरआरबी क्लर्क खत्म। फिर से एक आरआरबी पीओ की तरफ शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल, आरआरबी पीओ की तरफ शिफ्ट करते हुए एक सवाल आपके सामने कुछ इस तरह रहा। यहां पे आपके ये दो वैल्यूज 60 और 70 है। एग्जाम में सही नहीं, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? अगर इजी कैलकुलेट हुआ तो थोड़ा देखना, जज करना, उसके बाद छोड़ना, ठीक है? चलो आप ही को बताया। थैंक यू सो मच अनिल कुमार जी, अनिल कुमार मैकेनिकल, गॉड ब्लेस यू। अरे वेन है मुझे बता रहे हो, मैं खुद लाया हूं सवाल, ऊपर हेडिंग दे देता क्या, वेन डायग्राम। आंसर नहीं कर रहे वेन। चलो टीच फादर, चलो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज मुझे पता था कैसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन किसी को पसंद नहीं है, तो बच्चे कम होंगे, लेकिन आप अपना काम कर लेना। एक बार हो सके तो सेशन को अभी जाके शेयर कर लेना, ये आप सभी से तहे दिल से रिक्वेस्ट है। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस डीआई को, जितने लोग मैच करना चाहें मैच कर सकते हैं, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है? तीन गोला बनाना चाहिए। थैंक यू सर, स्टार्ट करो। मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। रेडी? रेडी। उसने कहा जो डेटा दिया गया है नीचे, वो दिखाता है नंबर ऑफ पीपल जो रीड कर पाते हैं न्यूज़पेपर 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस के, आपके एक बिल्डिंग एक्स में। उसने कहा कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदी इंग्लिश एंड मराठी, तो क्या आपको तीन न्यूज़पेपर के बारे में पता चल गया? हाँ सर। और आपको आगे जब देखे तो यहां पे बहुत से चीज आ रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, नॉट मराठी, ऐसे टाइप के। सो जब नॉट, ओनली, ऐसे वर्ड्स का जिक्र किया गया होगा और यूजुअली तीन डिफरेंट एलिमेंट्स की बात की गई होगी, तो वहां सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो वेन डायग्राम का सवाल हो, और ये है। तो अगर ये वेन डायग्राम का सवाल है तो मैंने तीन सर्कल्स बनाए, ठीक है सर? ये एक सर्कल, ध्यान देना, ये एक दूसरा सर्कल और ये एक तीसरा सर्कल। तीनों जो आपके लैंग्वेजेस है उसको मैंने लिख लिया, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। ये हिंदी, ये आपका इंग्लिश, ये आपका मराठी। यहां तक क्लियर? हाँ सर। अब मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। उसने कहा जो नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी, इंग्लिश और मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 9, 10 और 12 के रेशियो में है। मैंने कहा अगर वो 9, 10, 12 के रेशियो में है तो आपका यहां पे 9, 10 और 12 होना चाहिए। तो तुमने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं, क्यों? अंदर वाला हिस्सा जो राइट है वो किसका है? ये ओनली हिंदी का सेक्शन है, बोलो हाँ या ना। ये आपका ओनली इंग्लिश का सेक्शन है और ये आपका ओनली मराठी का सेक्शन है। बट उसने ये जो मुझे रेशियो दिया, उसने मुझे ओनली हिंदी या फिर ओनली इंग्लिश या फिर ओनली मराठी का नहीं दिया, उसने मुझे पूरा दिया हिंदी पढ़ने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले और मराठी पढ़ने वालों की संख्या का रेशियो। तो हिंदी पढ़ने वाले ये पूरा सर्कल में रहेंगे, हाँ या ना, ये पूरा सर्कल में रहेंगे। तो आपका ये पूरा सर्कल अगर 9 पार्ट का होगा तो इंग्लिश का ये पूरा सर्कल 10 पार्ट का होगा और ये जो आपका है 12 पार्ट का होगा। क्या यहां तक क्लियर? हाँ सर, यहां तक क्लियर। मैंने कहा जो नंबर ऑफ पीपल जो आपके रीड करते हैं ऑल 3 न्यूज़पेपर वो 20 है। मैंने कहा वो कहां रहता है? सर ऑल 3 एग्जैक्टली मिडिल में रहता है। मैंने कहा तो बनाओ एग्जैक्टली मिडिल में 20, तो ये सर बीच में आ गया 20। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसने कहा जो नंबर ऑफ पीपल जो रीड करते हैं इंग्लिश एंड मराठी बोथ वो 40% ज्यादा है जो नंबर ऑफ पीपल आपके रीड करते हैं हिंदी और इंग्लिश बोथ।
सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंग्लिश और मराठी पढ़ने वाले जो हैं वो कहां पे हैं? तो आप बोलोगे सर इंग्लिश, इंग्लिश मराठी ना, सर इंग्लिश और मराठी पढ़ने वाले यहां पे। मैंने कहा गलत सर, ये भी गलत। मैंने कहा हाँ, क्योंकि आपको अगर ये वाले सेक्शन पे आना है तो कहीं ना कहीं ओनली का जिक्र चाहिए। सर ओनली का जिक्र मतलब, या तो आपको बोला जाना चाहिए कि ओनली मराठी एंड इंग्लिश टुगेदर, नहीं तो ऐसा कह जाना चाहिए कि बोथ मराठी एज वेल एज इंग्लिश बट नॉट हिंदी। बट आपको ऐसा नहीं बोला गया, आपको सीधा बोला गया है कि मराठी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले। अब दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट तो ये पूरा है, तो ये पूरा का पूरा जो गोला है इसको मैं इंग्लिश और मराठी कंसिडर करूंगा, इंग्लिश एंड मराठी। और ये टोटल आपका क्या रिलेशन रख रहा है? तो तुमने कहा जो इंग्लिश मराठी है वो 40% ज्यादा है किससे? हिंदी इंग्लिश से। अब यहां हिंदी इंग्लिश कौन होगा? ये वाला बाहर वाला, यही होगा पूरा हिंदी इंग्लिश। क्या हिंदी इंग्लिश ये वाला होगा, हिंदी और इंग्लिश का कॉमन सेक्शन, मतलब इससे। मैंने कहा ये वाला इसके साथ क्या संबंध बनाता है? तो तुमने कहा कि सर ये जो आपका इंग्लिश मराठी नहीं है ये वाला, ये दूसरा वाला जो आपका हिंदी इंग्लिश है उससे 40% ज्यादा। मैंने कहा 40% मतलब 2/5, ये अगर आपका 5 पार्ट है तो ये 2 पार्ट ज्यादा, ये आपका 7 पार्ट का होगा। एग्री? एग्री सर, एग्री। मैंने कहा चलो, और ध्यान रखना आपके सारे अलग अलग चीज है। ये अगर आपका 9x, 10x और 12x है ये अलग है, ये अगर आपका 5y है और ये 7y है ये अलग है। आगे उसने कहा कि जो नंबर ऑफ पीपल हिंदी और मराठी बोथ पढ़ते हैं बट इंग्लिश नहीं, ये पता चला आपको? मतलब हिंदी में होना चाहिए, मराठी में होना चाहिए, बट इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। मैंने कहा तो फिर हिंदी और मराठी का सिर्फ अंदर वाला कॉमन वाला पार्ट जो इंग्लिश में ना जाए, ये वाला आपका क्या है? तो तुमने कहा ये 10 ज्यादा है किससे? जो नंबर ऑफ पीपल जो पढ़ते हैं इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट मराठी, इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट मराठी। मैंने कहा इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट मराठी मतलब इससे, ये वाला जो वैल्यू है इससे आपका कितना ज्यादा है? तो तुमने कहा इससे आपका 10 ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही नहीं घुमा रहा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा अगर ये आपके पास जेड है, मैंने बहुत ज्यादा पैरामीटर्स ले लिए, ये आपका कितना हो जाएगा? तो तुमने कहा Z+10। मैंने कहा चलो आगे थोड़ा घूम के आते हैं। उसने कहा नंबर ऑफ पीपल जो पढ़ते हैं इंग्लिश ओनली इंग्लिश एंड ओनली मराठी आर 60 और 70 रेस्पेक्टिवली, जो आपके केवल इंग्लिश पढ़ते हैं और जो केवल मराठी पढ़ते हैं। मैंने कहा केवल इंग्लिश वाले यही है और केवल मराठी वाले यही है, तो इनका जो आपका है वैल्यूज ये कितना है? तो तुमने कहा ये 60 है और ये आपके पास कितना है? तो तुमने कहा 70 है। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ चीजें कहना चाहता हूं। हाँ सर कहो, बिल्कुल कहो, बिंदास कहो। मैंने कहा सबसे पहला चीज, क्या आप लोग एक चीज फील कर पा रहे हो? क्या सर? मैं अभी कुछ पैरामीटर्स कम करने वाला हूं। सर कैसे कम करोगे वो हमें भी बता के कम करो थोड़ा। मैंने कहा ये जेड और जेड प्लस टेन को मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये जेड और जेड प्लस टेन को मैं मिटा रहा हूं। सर इसको क्यों मिटा रहे हो? क्योंकि इनको मैं कुछ और फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है सर, क्या बस आपको इतना याद रखना है कि ये वाला वैल्यू इससे 10 ज्यादा है, ये याद रहेगा? हाँ सर। अब मिटा दो। ओके सर, मिटा दिया। अब सर करने क्या वाले हो? मैंने कहा ये पूरा अगर आपका 5y है, ये अंदर अगर आपका 20 बैठा है तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो तुमने कहा 5y-20। मैंने कहा ये पूरा कितना? तो तुमने कहा 7y, अंदर बैठा है 20 तो ये कितना होगा? 7y-20। जी सर जी। अब मैंने कहा अगर ये 5y-20 है और ये उससे 10 ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा? गलती से 5y-30 मत करना, ना मुझे बोलना भी। 5y-20 से अगर कोई 10 ज्यादा है तो वो कितना होगा? 5y-10, क्योंकि -20 + 10 - 10 होता है, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 5y-10। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने कहा एक खूबसूरत तरीके से सॉल्व करते हैं। इन 7y का अभी और कोई रोल नहीं, वो तो मैंने अंदर ले लिया है, समेट लिया, इनका और कोई रोल नहीं। अब आप अगर करना चाहो तो एक चीज कर सकते हो, वो क्या है? मैं ग्रीन कलर करके दिखाता हूं कि आप ये इंग्लिश का गोला और ये आपके मराठी के गोले का पूरा रेशियो जो आपका 10 और 12 है इसका इस्तेमाल करो। ठीक है सर, करूंगा। मैंने कहा सबसे पहले 10 और 12 में क्या रेशियो है? सर 10 और 12 में 5 और 6 का रेशियो। मैंने कहा रेशियो तो 5 और 6 का आ गया, बस बताओ इंग्लिश का टोटल कितना है? सर मैं बताता हूं। सर 5y + 7y = 12y होता है। मैंने कहा हां होता है। सर -20 + 20 कैंसिल हो जाएंगे? मैंने कहा हां। सर 60 - 20 ये प्लस का 40 है। मैंने कहा थैंक यू। अब मराठी वाला पूरा बताओ जल्दी से। सर 5y + 7y ये भी 12y होता है। मैंने कहा हां 12y होता है। सर देखो यहां पे -20 + 20 ये भी कैंसिल हो गए। मैंने कहा कैंसिल हो गए। और ये सर 70 - 10 ये 60 होता है। मैंने कहा हां ये बात तो भी सही है। और ये आपका रेशियो कितना है? तो तुमने कहा 5:6 का है। मैंने कहा नीचे वाला कितना पार्ट ज्यादा? तो तुमने कहा एक पार्ट ज्यादा।
मैंने कहा नीचे वाला, अब आप अपना इक्वेशन सॉल्व करो, कोई मुझे इसको रिपीट करने के लिए नहीं बोलेगा। नीचे वाला कितना ज्यादा, तो तुमने कहा 40 ज्यादा, एक पार्ट अगर आपके, सॉरी 20 ज्यादा, एक पार्ट अगर 20, तो ये पांच पार्ट कितना हो जाएगा 100, 12y प्लस 40 100, 12y 60, y का वैल्यू कितना आ गया 5, निकाले हो क्या y का वैल्यू कितना हो गया 5। आप इसको इक्वेशन सॉल्व करो ना, मुझे मतलब नहीं, ये मेरा हैक है, टेक्निक है। आप अगर वो टेक्निक नहीं जानते तो क्रॉस मल्टीप्लाई 72 करके करो, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। वाई का वैल्यू 5, हाँ अब वैल्यू सब्सटीट्यूशन का वक्त आ गया, ठीक है सर करो, हमें भी बताओ सर। मैंने कहा 5y 25 - 20 कितना हो जाएगा सर 5। मैंने कहा 60 20, 7y कितना हो जाएगा 35 - 20, 35 - 20 15। मैंने कहा 25 - 10, 25 - 10 15। मैंने कहा ये वैल्यू कितना आएगा सर, मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ सर, अगर मैं इस गोले को ऐड करूंगा, मैंने कहा हाँ, तो सर ये वाला आपके पास 60 20 80 और ये 100 आ रहा है। सर अगर 10x 100 आ रहा है तो x आपका 10 और ये 9x आपका 90 हो जा रहा है, मतलब ये गोला पूरा 90 होना चाहिए। मैंने कहा 15 5 20 और ये 20 कितने मिल चुके हैं सर, 40 मिल चुके हैं। मैंने कहा कितना चाहिए सर, 90 के लिए 50 चाहिए, दैट्स इट, खत्म कहानी। चलो ठीक है, चलो ठीक है नेक्स्ट। तो आप इसको, जिनका भी प्रॉब्लम है प्लीज इसको दोबारा रिवाइज रिपीट मोड पे प्लीज देखिएगा, टाइम काफी ज्यादा लग रहा है। और भी अच्छे अच्छे क्या करने हैं, अच्छे अच्छे कैलकुलेट करने हैं। लास्ट स्टेप में आपको क्या, आपको इसी में प्रॉब्लम है क्या, ये मैंने मना किया था, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आप अपना करो ना, क्यों मेरे पीछे भाग रहे हो। मेरे पीछे भागने के लिए मैंने कभी नहीं कहा, आप आंसर चाहते हो तो खुद का सारा लो, 72 करके y का वैल्यू 5 डालो, y का वैल्यू 5 डालने के बाद सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। अब आप याद करो वो दिन, आपका ये पूरा इंग्लिश अगर 10x का होता है तो ये पूरा हिंदी आपका 9x का होता है। पूरा इंग्लिश कितना है सर, 5 20 25, 25 15 40 40 60 100। अगर 10x 100 का है तो x 10 के साथ ये 9x कितने का हो जाएगा, 90। आपके पास पूरे गोले का हिंदी का ये 5 और ये 20 25 और ये 15 40 था, तो 90 पूरा गोला बनने के लिए 40 माइनस कर दो, ये वाला चीज कितना होगा 50, कंफर्म ठीक है।
काफ़ी टाइम दे दिया गया आप लोगों को, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डन भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। जो लोग उस टेक्निक पूछ रहे हो ना बेटा, वो टेक्निक हर जगह नहीं लगेगा, वो 1000 केसेस में सिर्फ 2 या 3 बार लगेगा। अब सीखना है, वो 1000 केसेस में 2 या 3 बार लगेगा। अब सीखना है, जो यहाँ पे है ये दोनों आपको ऐसे बराबर मिलेंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ आप मेरे पर ध्यान रखो, भरोसा रखो, मैं खुद अपने पास वो टेक्निक्स रख के क्या कर लूँगा। मैं टीचर हूँ बेटा, दुकानदार नहीं, ठीक है, मैं व्यापार करने नहीं आया, मैं सब दे दूंगा आपको जो मेरे पास है, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, आप समझो, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या क्या पता है, आप उस एक टेक्निक के पीछे इतना टाइम वेस्ट किया, आपने इस DI को एक बार नहीं पढ़ा, और ये आपके रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीजन बनने वाला है। जो पास्ट में रह गया वो इस पेपर को कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। एक्सेप्ट द पास्ट, चेंज करो, नेसेसिटी चेंजेस उसमें लाओ, और फ्यूचर को सुधारो। ये नहीं कि पास्ट में झूले रहे झूले रहे झूले रहे, ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। रन स्कोर बाय रोहित शर्मा अगेंस्ट 3 डिफरेंट कंट्रीज इन 3 डिफरेंट ईयर्स, टोटल रन स्कोर इन ईयर इज इक्वल टू न्यूजीलैंड प्लस श्रीलंका प्लस बांग्लादेश। टोटल रन स्कोर इन 2018, मैंने कहा पहले तो वो जो 3 डिफरेंट कंट्रीज 3 डिफरेंट ईयर्स हैं, कंट्रीज तो क्लियर दिख रहे हैं, ईयर्स कहाँ है, तो तुमने कहा 18 है, 19 है और 20 है। तो मैंने कहा कि पहले तो इस चीज का सेटिंग कर लेते हैं। क्या सर, क्या सेटिंग कर लोगे? मैंने कहा सपोज मैं ये लिख लेता हूं यहां पे, हम 18, 19 और 20। अब मैं आपके लिख लेता हूं यहां पे सपोज न्यूजीलैंड श्रीलंका, न्यूजीलैंड श्रीलंका और बांग्लादेश। स्टार्ट टोटल रन स्कोर्ड इन 2018 वेर 900। 2018 में जो टोटल स्कोर बना है ये आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा गैप हो गया ना। जो 2018 का टोटल स्कोर है वो आपके पास कितना है? तो तुमने कहा 900। मैंने कहा ठीक है, आगे तो तुमने कहा कि जो आपके रन स्कोर किए गए हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2018 में, तो 2018 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड ये है, वो आपके 2/3 हैं। किसके? जो रन स्कोर किए गए हैं अगेंस्ट श्रीलंका के 2019 में, अगेंस्ट श्रीलंका के 2019 में उसका। मैंने कहा 2/3 ना, हाँ, ये अगर 3 पार्ट तो ये 2 पार्ट। एग्री? एग्री सर। मैंने आपसे कहा कि जो एवरेज रन स्कोर किए जाते हैं अगेंस्ट श्रीलंका और बांग्लादेश 2018 में वो 250 है। मैंने कहा वो नहीं चाहिए मुझे, 250 का एवरेज मत बताओ, सम बताओ। तो आपका जो सम होगा 250, दो ही मैचेस की बात की जा रही है ना, तो वो हो जाएगा 250 × 2 यानी कि 500। 500 का सम कब कब है? तो तुमने कहा श्रीलंका और बांग्लादेश 2018 का सम। मैंने कहा श्रीलंका और बांग्लादेश 2018 इन दोनों को जोड़ने पे ऊपर लिख लो आप अपने नोटेशन के हिसाब से 500। लिख लिया? लिख लिया सर। मैंने कहा आगे आगे चले सर। उसने कहा टोटल रन स्कोर अगेंस्ट श्रीलंका, जो टोटल रन आपने स्कोर किया अगेंस्ट श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड इन 2019 वाज 1000। 2019 में जो आपने श्रीलंका और न्यूजीलैंड में टोटल स्कोर किया था वो 1000 है। तो इन दोनों का सम श्रीलंका और न्यूजीलैंड का ये कितना आने वाला है? ऊपर बना देते हैं, ये दोनों का सम आपके पास कितना आने वाला है? 1000। अब बोला गया है 2019। उसने कहा जो रेशियो है टोटल रन्स जो स्कोर किया जाता है अगेंस्ट बांग्लादेश 2019, बांग्लादेश 2019 ये वाला, और जो आपका अगेंस्ट श्रीलंका 2018, श्रीलंका अगेंस्ट 2018 ये वाला, नीचे वाला पहले फिर ऊपर वाला, ये 5 और 11 के रेशियो में है। मतलब ये अगर 5Y तो ये आपका 11Y। सर ये क्यों? मैंने कहा यहां पे ऑलरेडी एक रेशियो था, इसको 3X और इसको 2X ले लो। ठीक है सर, ले लेते हैं। अब कलर चेंज कर लो सर नया चीज लिखने के लिए। मैंने कहा आगे कहा है कि जो टोटल रन स्कोर किया जाता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2019 में, न्यूजीलैंड 2019 में यानी कि ये वाला, ये आपका इक्वल है टोटल रन जो स्कोर किया गया है अगेंस्ट श्रीलंका 2020, अगेंस्ट श्रीलंका 2020, मतलब ये दोनों आपके इक्वल है। ठीक है सर। उसने कहा जो टोटल रन स्कोर किए गए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट 2020 में, बांग्लादेश के अगेंस्ट 2020 में यानी कि ये वाला बात की जा रही है,
वो आपका 25% ज्यादा है बांग्लादेश जो आपका 2018 में स्कोर कर रहा है। मैंने कहा बांग्लादेश 2018 में कितना स्कोर कर रहा है, तो तुमने कहा सर बांग्लादेश अभी तक कुछ स्कोर नहीं किया 2018 जो भी है, इससे कितना ज्यादा है, तो तुमने कहा 25%। मैंने कहा ये अगर आपका 4Z तो ये आपका हो गया, तो तुमने कहा 5Z, 25% का रिलेशन, कुछ ना कुछ तो होगा लास्ट में। सम ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड इन 2020 इज 850। 2020 में जो आपके श्रीलंका और न्यूजीलैंड का टोटल है वो 850 है, तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का टोटल ये जो है ये आपके पास 850 है। मैंने कहा कुछ और, तो तुमने कहा जो रेशियो है टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका 2019, श्रीलंका 2019 यानी कि ये वाला, और जो आपका बांग्लादेश 2018 में 15:7, बांग्लादेश आपका 18 में यानी कि ये वाला, इनके बीच का रेशियो 15:7 का है। तो क्या आप वही करना चाहते हो जो मैं करना चाहता हूं? सर क्या करना चाहते हो हमें भी बताओ, ग्रीन कलर करके दिखा देते हैं, ग्रीन कलर करके दिखा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इसका और इसका रेशियो कितना मिला, तो तुमने कहा इन दोनों का रेशियो हमें 15:7 का मिला। तो मैंने कहा इन दोनों का रेशियो अगर आपको 15:7 का मिला, तो इसको मैं अगर 15 पार्ट्स ले लूं, तो 3x अगर मैं 15 कर रहा हूं तो x का वैल्यू 5 और उसके साथ साथ लगे हाथ ये भी बन जाएगा। लेकिन आप एक चीज नोट डाउन करना, क्या इसको 7 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, इतना गंदा कैसे हो गया, ये प्री लेवल तो होगा नहीं, अब ये क्या सेट कर दिया, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। x ऊपर 2 से कौन सा वाला, कुछ मिस हुआ क्या पॉइंट बताओ। टू एक्स चार सौ ये कहां है? ओके, तो वहां से, अरे यार मैं कहां कहां घूम रहा हूं, ये एक 900 था ना, वही से आप भैंस पूरा बेकार कर दिया मैंने। तो मैंने कहा ये कितना है, तो तुमने कहा 900। मैंने कहा 900 में से ये कितना है, तो तुमने कहा 500। मैंने कहा ये कितना, अरे यार पूरा गड़बड़ कर दिया मैंने, नहीं पूरा गड़बड़ कर दिया। तो मैंने कहा 900 में से 500 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा 400। मैंने कहा 2x 400, तो x 200 के साथ 3x कितना हो जाएगा, 600। अगर ये 15 और 7 का रेशियो रख रहा है, एग्री, 15 और 7 का रेशियो रख रहा है, 15 पार्ट 600, तो 1 पार्ट 40 के साथ 7 पार्ट कितना हो जाएगा, 280। 4z 280, तो एक पार्ट आपका 70, एक पार्ट 70, तो ये 5z हो जाएगा आपके पास कितना, 350। डन, ये 280, ये 500, तो ये कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा ये 220। 11y 220, तो y 20, y 20 के साथ 5y कितना, अरे सब लिंक थे वही एक पॉइंट था नहीं, 5y कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा 100। मैंने कहा आपका ये अगर 600 है, ये टोटल 1000 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 400। अरे सब निकलते ही जा रहे हैं, ये और ये क्या होने चाहिए सर, बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 400, और इन दोनों का सम कितना होगा, तो तुमने कहा 850, तो ये 400, तो ये कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा 450। डन, चलो, थैंक यू सो मच रॉकी रॉकस्टार जी, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, हाँ, अरे पकड़ में कैसे नहीं आया पता नहीं चला, मैं तो फ्रेम करता गया फरता गया करता गया। चलो कोई नहीं, अगला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, बनाओ बनाओ बनाओ, तब से स्पैम कर रहा है ये, अरे स्पैम वम मत किया कीजिए। चलो अरे कोई नहीं, आप लोग फोकस करो इधर, क्लास पे फोकस करो, मैं छुप जाता हूं।
डन आ रहा है बहुत लोगों का, चलो देखते हैं डन का क्या है। नया बैच आपका आ रहा है इसी मंथ के मिड पे, आपके लगभग 20th को स्टार्ट हो जाएगा आपका नया बैच अनअकैडमी पे, ठीक है। चलो सवाल कह रहा है कि देर आर टू मल्टीप्लेक्सेस ए एंड बी एंड बोथ हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट्स, दैट इज गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एंड जनरल। बहुत इजी सवाल लग तो रहा है, अब देखते हैं। आपके पास है ए और बी दो मल्टीप्लेक्सेस और वहां पे आपके जो सीट्स हैं वो कितने किस्म के हैं, तो तुमने कहा चार। कौन है वो चार? तो तुमने कहा गोल्ड, ये क्लरिकल होगा। ऊपर नीचे चल रहा है आपका लेवल, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, जनरल, सिल्वर और ये हो जाएगा आपके पास जनरल। और यहां पे आपके पास दो मल्टीप्लेक्सेस है, एक मल्टीप्लेक्स है आपका ए और दूसरा मल्टीप्लेक्स है आपका बी। यहां तक क्लियर? हाँ सर। उसने कहा मल्टीप्लेक्स ए में देयर आर टोटल 400 सीट्स, आपके टोटल मल्टीप्लेक्स ए में 400 सीट्स है, तो मल्टीप्लेक्स ए का पूरा सबमिशन 400 आने वाला है। यहां तक क्लियर? हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है। मैंने कहा ओके। उसने कहा मल्टीप्लेक्स बी में 40% ज्यादा सीट्स है एज कंपेयर टू मल्टीप्लेक्स ए। मैंने कहा 400 का 40% 160 होता है, हाँ 160 ज्यादा, तो यहां पे टोटल सीट्स की संख्या कितना होगा? 560। डन डन। उसने कहा एंड 20% ऑफ द सीट्स इन ए आर गोल्ड सीट्स, ए के जो 400 सीट्स है उसका 20% यानी कि 80 सीट्स ए में गोल्ड सीट्स है। आरआरबी क्लर्क लग ही रहा है। 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ए आर सिल्वर सीट्स। अब मुझे बताओ कि 400 का 1/4 कितना होता है, तो तुमने कहा 100 यहां पे सिल्वर सीट्स। एंड 25% ऑफ द टोटल सीट्स इन ए आर प्लैटिनम सीट्स। मैंने कहा 25% मतलब वही 1/4 होता है, मतलब ये भी आपका प्लैटिनम सीट 100। अब 100, 200, 280 बन चुका है, अब कितने का शॉर्ट है, तो तुमने कहा 120। अब चलेंगे पूरा बी के पास। टोटल नंबर ऑफ सिल्वर सीट्स इन बोथ मल्टीप्लेक्सेस टुगेदर आर 240। दोनों मल्टीप्लेक्स मिला के टोटल सिल्वर सीट्स आपके पास 240 होंगे। ए में अगर 100 तो बी में कितने होंगे? बाकी के 140। उसने कहा 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन बी इज प्लैटिनम सीट्स। मैंने कहा 45% का मतलब क्या होता है, तो तुमने कहा 9/20। 560 का 9/20 कितना होगा, तो तुमने कहा 20 × 9। सर ये हो जाएगा आपके पास 180 और ये हो जाएगा 72। 180 72, क्या ये 252 हो रहा है क्या, या फिर उधर से देख लो 8 260। परफेक्ट। तो 252 सीट्स आपके जो है वो आपके प्लैटिनम सीट्स होने वाले हैं, तो तुमने कहा ये हो गया आपके पास प्लैटिनम सीट्स। यहां तक क्लियर? हाँ सर। अब मैंने कहा कि आपके पास क्या है एंड रेशियो ऑफ जनरल सीट्स टू गोल्ड सीट्स इन बी इज 3:4। जनरल और गोल्ड का रेशियो 3:4, मतलब ये अगर 3 पार्ट तो ये आपका 4 पार्ट। मैंने कहा जरा मुझे बताना। क्या सर, क्या बताना है पूछो। मैंने कहा टोटल 560 में से कितने सीट्स जा चुके हैं, तो सर हमारे पास 140 और 252 यानी कि 392 सीट्स जा चुके हैं 560 में से। मैंने कहा आप सीट कितने हैं, तो तुमने कहा 68, ये हो गया 168। मैंने कहा ये जो 168 सीट्स हैं, यहां 4 पार्ट यहां 3 पार्ट, तो टोटल 7 पार्ट में ब्रेक करो, तो 1 पार्ट आएगा 7 × 2 = 14 और ये 28 यानी कि 24, जहां 3 पार्ट है 24 से गुणा करने के बाद 72, जहां 4 पार्ट है 24 से गुणा करने के बाद 96, और ये हो गया इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग पहुंच गए होंगे। बड़ा इजी था आरआरबी क्लर्क, अभी मुझे फिर से डर लगने लगा है क्योंकि आरआरबी पीओ थोड़ा हो रहा। ये एक अच्छा सवाल है, ये एक मैंडेटोरी मस्ट नो सवाल है, ये सवाल आपको मिल सकता है आरआरबी पीओ में। मस्ट नो सवाल क्या क्या होता है, मस्ट नो कॉन्सेप्ट, यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो करो।
एक प्री लेवल कैसलेट हार्डली आपका 2.5 मिनट से 3 मिनट्स कंज्यूम करना चाहिए मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। गॉड ब्लेस यू वेदिका जी। डन आ रहा है यहाँ पे अजय जी का, देखते हैं। डन स्टार्ट करें। सिलेक्शन ले लो रोहन जी, भरपूर करेंगे, बोलना भी नहीं पड़ेगा पक्का। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल बना देंगे आपको चैनल पे। चलो पीपल ऑफ थ्री डिफरेंट सिटीज दिल्ली मुंबई शिमला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कैटेगरी के सवाल मैंने आपको कैसलेट हर बार करवाया, हर बार करवाया, ये इतना इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। आपके यहां पे तीन सिटीज हैं तो तुमने कहा हाँ, मैंने कहा कौन कौन, तो तुमने कहा दिल्ली मुंबई और शिमला। ठीक है सर, मुंबई और शिमला, यहां तक क्लियर? हाँ सर यहां तक क्लियर। मैंने कहा यहां पे वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो तीन डिफरेंट कैब्स के कंपनी से कैब्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कौन कौन, ओला उबर मेरू। आपको ऑब्वियस बात है पॉइंट पता चल गया होगा कि आपको दिल्ली से ओला में कितना, दिल्ली से उबर में कितना, दिल्ली से मेरू में कितना, ऐसा ही पूछा जाएगा। तो क्यों ना मैं ओला उबर और मेरू सजा दूं और अब सवाल को स्टार्ट करूं। उसने कहा जो रेशियो है नंबर ऑफ पीपल जो आपके ट्रैवल करते हैं ओला इन दिल्ली, ओला इन दिल्ली मतलब, अगर मैं आपको यह चीज थोड़ा बक्सा बना के दिखा दूं, ओला इन दिल्ली यानी कि ये वाला, और आपका उबर इन शिमला यानी कि उबर इन शिमला यानी कि ये वाला, इनके बीच का रेशियो कितना है? तो तुमने कहा 5:4, मतलब ये अगर 5 पार्ट तो ये आपका कितना होगा? 4 पार्ट। डन डन। उसने कहा जो नंबर ऑफ पीपल जो आपके ट्रैवल करते मेरू दिल्ली, तो तुमने कहा ये वाला, ये आपका 25% ज्यादा है, किससे? उबर शिमला, उबर शिमला यानी कि इससे। मैंने कहा बैलेंस भी करना जरूरी नहीं, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पार्ट से 1 पार्ट, तो ये 4 पार्ट है, तो 1 पार्ट ज्यादा, ये 5 पार्ट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो आपके ट्रैवल करते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री कैब्स इन दिल्ली इज 6,000, मतलब दिल्ली से टोटल ट्रैवलर्स आपके 6,000 हैं, तीनों के तीनों कैब्स मिला के, दिल्ली के पूरे रो को ऐड करने से 6,000। द नंबर ऑफ पीपल जो आपके ट्रैवल करते हैं उबर मुंबई, मैंने कहा उबर मुंबई, उबर मुंबई यानी कि ये वाला, ये आपका 600 कम है। ठीक है, किससे? जो आपके मेरू दिल्ली से ट्रैवल करते हैं, तो तुमने कहा मेरू दिल्ली कौन सा है? तो तुमने कहा ये वाला, इससे ये वाला चीज 600 कम है। तो मैंने कहा इसमें एक वेरिएबल लगाओ 5x, 5x अगर ये, तो ये कितना हो जाएगा? तो तुमने कहा 5x-600। मैंने कहा ये कितना बन जाएगा? ये 4x और ये 5x, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके इंटरलिंक्ड थे। अगर ये तीनों के तीनों आपके इंटरलिंक थे तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सेकंड, अब अगर ये तीनों के तीनों इंटरलिंक थे और इनको अगर मैंने निकाल लिया और ये वैल्यू अगर मैंने निकाल दिया, तो अब मैं क्या कह सकता हूं? अब मैं कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो आपके ट्रैवल करते हैं उबर और ओला इन ऑल द थ्री सिटीज इज 5,000 और 6,000। जो टोटल नंबर ऑफ पीपल आपके उबर से ट्रैवल करते हैं और ओला से ट्रैवल करते हैं वो 5,000 6,000। उबर से टोटल ट्रैवल वाले कितने? तो तुमने कहा ये 5,000, और ओला से टोटल ट्रैवल करने वाले कितने? तो तुमने कहा 6,000। क्या यहां तक क्लियर? हाँ सर, उबर वाला 5,000, ओला वाला 6,000। मैंने कहा कि आपको जो नंबर ऑफ पीपल जो ट्रैवल करते हैं ओला और मेरू मुंबई से, वो 1500 और 500 है। मैंने कहा मुंबई, मुंबई ये रहा, इसके कौन कौन? तो तुमने कहा ओला और मेरू 1500 500, ओला 1500 मेरू 500। यहां तक क्लियर? हां सर। जो पीपल आपके ट्रैवल करते हैं मेरू शिमला 1000,
मेरू शिमला 1000, शिमला ये वाला, मेरू लास्ट वाला, ये आपके पास हो गया 1000। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तक तो सभी लोग पहुंच गए होंगे, अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे कुछ सॉल्व करना होता है। क्या आपने एक चीज फील किया कि आपके पास इस लाइन का सम है और इस लाइन का सम है? हाँ सर, अगर इन दोनों लाइंस के सम है आपके पास और ये वाला चीज आपके पास अगर अननोन है तो आप कैसे निकालोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पूरे 6000 में से यहां 5x, यहां 5x यानी कि 10x इकट्ठे हो चुके हैं ओला और मेरू से, तो उबर से कितने होंगे बाकी? बाकी मतलब 6000 से 10x जाने के बाद जितना उतना, क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अगर ये 6000 से 10x माइनस करने के बाद ये मैं लिख लूं तो अब सर फायदा क्या होगा? मैंने कहा अब इसको इसको और इसको ऐड करने से कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा 5000। मैंने कहा 6000 माइनस 10x, 5x माइनस 6000 और 4x को ऐड करने से कितना होना चाहिए, तो तुमने कहा 5000 होना चाहिए। मैंने कहा इसको अगर मैं सॉल्व, ये 600 है रे, ये 600 है ना, मैं 6000 लिख लिया था, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना होगा? सर मैं बताता हूं, मैंने कहा जल्दी से बताओ, 6000 माइनस 600 ये कितना होता है? 5400। ये आपके पास प्लस का 9x माइनस का 10x यानी कि माइनस x इज इक्वल टू 5000, तो x का वैल्यू उधर जाने के बाद और 5000 इधर आने के बाद कितना बन जाएगा, तो तुमने कहा 400 और x का वैल्यू 60। कौन सा वाला, कुछ गड़बड़ किए क्या? 60p सर, सही है तो सब कुछ, x 400। चलो एक्स 400 के बाद अगर मैं सारे के सारे वैल्यूज अभी सब्सटीट्यूट कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा ये 400 इंटू 5 यानी कि 2000, डन। ये आपका 400, ये तो ऑलरेडी है 1500, डन। ये आपके पास 400 इंटू 4 यानी कि 1600 हो जाएगा। ये 2000 माइनस 600 ये हो जाएगा आपके पास 1400। ये आपके पास 500 है, 1000 है, ये आपके पास 2000 आ जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6000 माइनस 4000 ये 2000 आ जाएगा और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 3500, 500, 4000, 2500 आ जाएगा, डन डन। क्लियर? आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये लिंक करना है आपको कि इस लाइन और उस लाइन में जब कॉमन होता है तो कैसे उसको लेके इकट्ठा करके कर सकते हैं। अगला कैसलेट चले, ये रहा आपके सामने अगला कैसलेट, तुरंत करेंगे सभी लोग।
चलो स्टार्ट करते हैं। जितना तक आप लोगों ने बना लिया बना लिया। अब देखो मेरे साथ करो। उसने कहा टू जनरल स्टोर्स पी एंड क्यू सेल फाइव आइटम्स दैट इज ए बी सी डी ई। आपके पी और क्यू है वो पांच आइटम्स बेचते हैं। तो मैं यूजुअली प्रिफर करता हूं कि रो में ज्यादा चीजें रखूं, तो मैं ऑब्जेक्ट्स को यहां पे रख दूंगा। जैसे कि एक बार एक सेकंड बस ठीक है। तो मैंने कहा यहां पे अगर मैं यहां पे अगर मैंने ए यहां पे बी यहां पे सी यहां पे डी और यहां पे ई रख लिया और यहां पे दो सेलर्स आपके पी और एक सेलर आपका क्यू रख लिया, ठीक है सर। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं इसको सपोज आप सजा भी दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सजाने में, सजाओ आराम से। सजा दिए सर। मैंने कहा जो टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय दीज टू स्टोर्स है वो 8400 है। मतलब टोटल 8400 आइटम्स ये दोनों मिलके बेच रहे हैं। उसने कहा कि जिसमें जो रेशियो है टोटल आइटम्स जो पी के द्वारा और क्यू के द्वारा बेचा गया वो 3:4 का है। मैंने कहा 3 पार्ट ये 4 पार्ट। मैंने कहा 4×3 7 पार्ट 8400 तो 1 पार्ट 1200 तो 3 पार्ट कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा 3600 और ये 4 पार्ट कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा 4800। डन। मैंने कहा जो टोटल आइटम ए जो आपके बेचे गए हैं स्टोर पी के द्वारा, ए जो स्टोर पी के द्वारा बेचे गए हैं वो 16 whole 2/3% ज्यादा है किससे, जो आइटम डी आपके बेचे गए हैं दैट स्टोर। मतलब पी के डी से ही ये 16 whole 2/3% ज्यादा है। मैंने कहा ये 6 पार्ट तो ये 1 पार्ट ज्यादा 7 पार्ट। यहां तक क्लियर? क्लियर सर। मैंने कहा कि वाइल जो टोटल आइटम सी बेचता है स्टोर पी के द्वारा, सी आइटम बेचा जाता है स्टोर पी के द्वारा, यानी कि सी आइटम स्टोर पी ये वाला, वो आपका 160 कम है किससे, जितने आइटम डी आपके स्टोर पी के द्वारा बेचे जा रहे हैं। मैंने कहा चलो इसमें लगा लो, अभी 6x लगाने का वक्त आ गया। ये 6x तो ये वाला कितना हो जाएगा, उससे 160 कम, यानी कि 6x-160 और इसमें भी 7x आ जाएगा। यहां तक क्लियर। अब मैं आगे अगर आपसे कहूं तो यहां पे अगर हम आगे देखें तो क्या होगा, तो उसने कहा टोटल आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर पी इज 77 whole 7/9। मैंने कहा ये 77 whole 7/9 क्या होता है, तो तुमने कहा सर ये 7/9 होता है। मैंने कहा कैसे सर, 11 whole 1/9 जो है वो 1/9 है। अगर आप देखें तो 11 का 7 टाइम्स और 1/9 का 7 टाइम्स, ये इसका 7 टाइम्स है, तो इसका वैल्यू आपके पास आ गया 7/9। यहां तक क्लियर? हां सर यहां तक क्लियर। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 7/9 का क्या रोल है, तो उसने कहा कि जो आइटम बी बेचे जा रहे हैं पी के द्वारा ये वाला आपका इतना ज्यादा है जो आइटम डी बेचे जा रहे हैं पी के द्वारा, आइटम डी जो बेचे जा रहे हैं इसके द्वारा। तो मैंने कहा कि उस हिसाब से ये 9 में 7 ज्यादा, मतलब ये अगर 9 पार्ट का होगा तो वो 16 पार्ट का होना चाहिए। हाँ सर। मैंने कहा ये तो 9 का है ही नहीं, ये तो आपका 6x है, 6 का है। तो मैंने कहा सर इसको अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो ये 18 बन जाएगा, कुछ काम आएगा मेरा, क्योंकि 9 के मल्टीपल्स में चलूं तो अच्छा आएगा। मैंने कहा पहले इसको 3 का गुणा करके 18x बना देते हैं, इसको 3 के गुणा करके 18x बना देते हैं, इसको 3 का गुणा करके 21x बना देते हैं। सर इससे फायदा क्या मिला आपको? मैंने कहा ये अगर 9 होगा तो ये उससे 7 ज्यादा 16 होना चाहिए ना, ये तो 9 नहीं है, ये 18 है, मतलब दुगना, तो ये आपका 16 का दुगना कितना हो जाएगा, 32x। यहां तक क्लियर? हां सर। रेशियो बैलेंसिंग भैया, कैसलेट मतलब रेशियो परसेंटेज का कमांड होना जरूरी है। ये क्या हो गया? तो मैंने कहा आगे अब क्या करेंगे, तो तुमने कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ आइटम ई बेचे जा रहे हैं स्टोर पी के द्वारा, मैंने कहा ई जो बेचे जा रहे हैं स्टोर पी के द्वारा ये वाला, ये आपका 1080 कम है किससे, जो आपके आइटम बी बेचे जा रहे हैं स्टोर पी के द्वारा, जो आपके आइटम बी बेचे जा रहे हैं स्टोर पी के द्वारा, मतलब ये आपका हो जाएगा 32x-1080। खत्म। आप में से कोई दम रखता है मुझे x का वैल्यू देना, कोई दम रखता है x का वैल्यू देना, या मैं खुद ही समेट लूं? समेटना चालू कर रहा हूं, कोई मिस्टेक होगा तो बताना। 21 + 32 आपका हो जाएगा 32 + 18 जोड़ देते हैं पहले, अच्छा लग रहा है 50। ये 18 और 21 हो जाएगा 89 के बाद ये हो जाएगा मेरे पास 91 121x। लग तो रहा है अच्छा, पता नहीं आगे। मैंने कहा माइनस का 160 माइनस का 1080 यानी कि 1240 वो उधर जाएगा तो प्लस होगा, 3600 टोटल होना चाहिए। 3600 में 1240 4840 के साथ ये बन गया आपके पास x का वैल्यू 40। क्या आप सभी को यही मिला x का वैल्यू 40? हाँ
एक्स के वैल्यू 40 के साथ क्या मैं ये चीज कह सकता हूं 21 into 4 84 840। ओके सर, 32 into 4 आपका 128 1280। डन, ये आपके पास 18x कितना हो जाएगा 720। डन, 720 से 160 जाएगा तो 660 560। डन, 560। मैंने कहा ये 32x कितना हो जाएगा, सर ये 1280, और 1280 में से अगर मैं 1080 माइनस कर दूं तो ये 200 आ रहा है, तो मैंने कहा ये 200। क्या यही चीज आप सभी के निकले हैं? क्या हो गया, क्लियर है? आंसर सही आया। चलो, अब मैंने आपसे कहा कि ये चीज अगर मैं आगे चलूं तो यहां पे क्या है, तो तुमने कहा यहां पे अगर हम देखेंगे तो टोटल आइटम डी एंड आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर क्यू इज 240। यहां तक पूरा परफेक्ट था, तो नहीं तो गड़बड़ होगा तो बता देना, मुझे नहीं लग रहा क्योंकि अभी मैं शायद उसके साथ लिंक करूंगा तो और आपका इसका लिंक कुछ है नहीं। तो टोटल आइटम डी और आइटम बी जो बेचे जा रहे हैं स्टोर क्यू के द्वारा, आइटम डी और आइटम बी जो बेचे जा रहे हैं स्टोर क्यू के द्वारा, ये आपके पास सम कितना है? तो तुमने कहा ये सम अपने पास है 240, तो ये सम आपके पास है 240। मैंने कहा अब आपका क्या है, तो तुमने कहा 12.5%। ओके, वाओ 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 वाओ, क्या आपने इस पॉइंट को पकड़ा? किसने इस पॉइंट को पकड़ा? बहुत खूबसूरत सा पॉइंट है यार, ये सम नहीं है 240। तो सर ये क्या है, मैं बताता हूं आपको, मैं, लेट मी एक्सप्लेन। उसने कहा जो आइटम डी और आइटम बी क्यू के द्वारा नहीं बेचे जा रहे, मैंने कहा हाँ यही और यही, डी और बी, मैंने कहा यही और यही, वो आपके 240 और 12.5% ज्यादा हैं। किसके मुताबिक? जो सेम आइटम्स सोल्ड बाय स्टोर पी रेस्पेक्टिवली, मतलब सोल्ड बाय स्टोर पी जितना बेच रहा था उससे, मतलब ये अगर 720 है, पहले डी की बात की जाए कि इतना, तो ये उससे 240 ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 960। और अगर ये वाला इससे 12.5% ज्यादा होगा तो 1280 का 12.5% यानी कि 1/8 कितना होगा, तो तुमने कहा 160। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 160 बढ़ने के बाद, तो तुमने कहा 1340 1440। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, रेस्पेक्टिवली लिखा है, एग्जैक्टली वो मैं पढ़ के चला गया था, लेकिन यही था मेन पॉइंट यहां पे। फिर उसने कहा कि जो रेस्पेक्टिव रेशियो है एसीई का 26 23 11, मैंने कहा ये 26, ये 23, ये 11। मैंने कहा अब मुझे जल्दी से बताओ, हां सर पूछो, सर पूछो। मैंने कहा 1440 और 960 मिलने से कितना होता है? सर 14 और 900 23 और ये 2400। मैंने कहा 4800 से अगर 2400 गया तो बचा कितना? सर बचा और 2400। ये जो आपका 2400 बचा, ये 26 + 23 यानी कि 49 और ये 11 यानी कि 60 पार्ट्स है। अगर 60 पार्ट आपका 2400 है तो यहां पे भी एक पार्ट आपका कितने का चल रहा है? तो तुमने कहा एक पार्ट आपका 40 का चल रहा है। अरे यार ये पढ़ने नहीं देंगे, चलो पढ़ने पढ़ाने दे दो थोड़ा, क्या करें। तो ये एक पार्ट 40 आ रहा है क्या, कंफर्म करो। चलो एक पार्ट अगर आपका 40 आ रहा है तो 26 पार्ट कितना हो जाएगा 52,040। डन डन। मैंने कहा 23 पार्ट कितना हो जाएगा इंटू 40 920। डन। 11 पार्ट कितना हो जाएगा 440। डन, खत्म खत्म। कर पाओगे कर पाओगे कर पाओगे कर पाओगे? खूबसूरत। ये मेंस कहां है, आप मेंस नहीं देखे तो फिर ठीक है। चलो एक और करोगे वेन डायग्राम वाला, एक और वेन डायग्राम कर पाओगे? टाइम लगाइए, एक और वेन डायग्राम करोगे पक्का? हाँ क्यों नहीं, बहुत लोग यस बोल रहे हैं। चलो आज का लास्ट इसको करो और एंड करते हैं, एक और वेन डायग्राम कर लो, खत्म करते हैं आज का सेशन। अरे एग्जाम आपका है, मैं नहीं थक रहा, आप क्यों थक रहे हो? ठीक है, बच्चे नहीं है फिर भी मैं अपने जोश से पढ़ा रहा हूं। अपना काम बढ़िया से करो, आया ना, दूसरों के ऊपर अपने काम को कभी इंपैक्ट मत डालने देना, ये लाइफ में हमेशा याद रखना। दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करके अपने काम को कभी मत करना, जो करना खुद करना, एनर्जेटिक वे में करना, बढ़िया से करना।
थैंक यू सो मच प्रो हैकर जी। ये प्रो हैकर ये बीच बीच में जो आ रहे हैं वो कुछ आप कर सकते हो, कुछ जुगाड़ लगा सकते हो, आप तो हैकर हो। चलो बिल्कुल 10 कंप्लीट होगा सर। हाँ ये आज 10th है, मैंने आपके लिए 10 रखा था। चलो करो। मुझे लगा आप बंगाली हो, हम हिंदुस्तानी हैं। चलो वेन अतुल जी आपको अभी पता चला क्या वेन डायग्राम है? मैं तो स्टार्टिंग से बोल के दिया एक और वेन डायग्राम करोगे। चलो भुवनेश्वर पुरी दोनों जगह से हैं हम। चलो बताओ। आप स्टार्टिंग ही बहुत लोग गलत किए होंगे। मैं स्टार्ट करूं? ये भी ऑल 20 है, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है। चलो अब स्टार्ट ही करते हैं, लेट नहीं करते। बहुत लोग जो पॉइंट में फंसाना चाहते हैं हम वहां पे फंस गए होंगे। देखो कितने लोग गड़बड़ किए होंगे। देखो देर आर 440 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल हु प्ले एनी ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल एंड वॉली। कोई भी एक स्पोर्ट खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट, क्रिकेट फुटबॉल और वॉली। तो मैंने कहा क्रिकेट का एक, ओके सर अच्छा नहीं हुआ, क्रिकेट का एक, फुटबॉल का एक, अरे यार थोड़ा कनेक्ट तो हो जाओ, और वॉली का एक, ठीक है सर। मैंने कहा ये तीन बन गए। हाँ सर क्रिकेट फुटबॉल और वॉली, फुटबॉल और ये हो गया आपके पास वॉली, यहां तक क्लियर? हाँ सर। उसने जो कहा ध्यान से सुनना, आपके टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? तो तुमने कहा सर टोटल अपने पास 440 स्टूडेंट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आगे उसने कहा स्टूडेंट्स जो आपके केवल फुटबॉल खेलते हैं, केवल फुटबॉल मतलब समझते हो, मतलब ये वाला केवल अंदर रहेगा, वो सर 200% है। किसका? जो आपके केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। मैंने कहा केवल वॉलीबॉल मतलब ये वाला 200% का मतलब सर दुगना होता है ना। मैंने कहा तो सर अगर ये x तो ये वाला 2x ना। मैंने कहा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आगे सर अगर जो स्टूडेंट्स जो आपके क्रिकेट और वॉलीबॉल टुगेदर खेलते हैं, मैंने कहा सर आपने अभी कहा था कि अगर ओनली या फिर नॉट का जिक्र ना हो तो ये सर बाहर रहेगा। मैंने कहा बाहर रहेगा मतलब सर ये पूरा जो आपके क्रिकेट और वॉली खेलते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा मतलब सर क्रिकेट और वॉली का पूरा ये कॉमन पार्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा, यही वाला चीज जो है ये आपका क्या है, बराबर है। किसके साथ? ये आपका बराबर है स्टूडेंट्स जो आपके खेलते हैं ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टुगेदर। ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टुगेदर का मतलब जानते हो? ओनली फुटबॉल और वॉलीबॉल टुगेदर का मतलब ये वाला हिस्सा है। क्या ये चीज क्लियर है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम अगर पूरा का पूरा वाई हो तो ये सिर्फ इतना वाला हिस्सा ही वाई होगा। तुम अगर ये पूरा वाला वाई हो, ये इतना हिस्सा, कौन से लोगों ने पूरा वाई ले लिया था पूरा बाहर? गलत हो तुम लोग, क्योंकि यहां पे आपका बोला गया है प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल टुगेदर, तो क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल का पूरा, लेकिन यहां उसने कहा ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टुगेदर। ओनली लग गया मतलब केवल इन्हीं दोनों के पार्ट में, क्लियर? अब बोला गया है कि स्टूडेंट्स जो आपके खेलते हैं तीनों के तीनों गेम्स वो 20 है। मैंने कहा ये बीच में 20 डाल दो, डाल दे। मैंने कहा एक चीज आपने नोट डाउन किया। क्या सर? क्या नोट डाउन करना था? ये वाला वैल्यू लगे हाथ आ गया सर। कैसे? मैंने कहा ये पूरा का पूरा आपका वाई होना चाहिए, ये अंदर बैठा है 20, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये वाई माइनस 20। मैंने कहा इस गंदगी को हटा दे। सर गंदगी को हटा दो। मैंने कहा आगे बढ़े, आगे एक, आहा एक, ओके और एक। हाँ बढ़िया।
अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो उसने कहा कि स्टूडेंट्स जो आपके खेलते हैं केवल वॉली, वो आपके 40% है स्टूडेंट्स जो आपके खेलते हैं केवल क्रिकेट। मैंने कहा केवल वॉली वाले 40% है केवल क्रिकेट के। मैंने कहा क्यों ना एक काम किया जाए, 40% मतलब 2/5, मतलब इसको अगर मैं 5x ले लूं तो ये 2x बन जाएगा। हाँ सर ये 2x बन जाएगा। मैंने कहा लेकिन रुको रुको, ये वाला चीज जब x था ये 2x हो रहा था इसका डबल, तो ये जब 2x होगा तो ये कितना हो जाएगा? तो तुमने कहा सर ये 4x हो जाएगा। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया 5x, जिसके चलते ये उसका 40% 2x और ये उसका डबल हो जाएगा 4x। यहां तक क्लियर? मैंने कहा स्टूडेंट्स जो आपके खेलते हैं फुटबॉल और वॉलीबॉल टुगेदर, फुटबॉल और वॉलीबॉल टुगेदर मतलब पूरा का पूरा फुटबॉल और वॉलीबॉल की बात चल रही है, मतलब ये वाला हिस्सा, वो आपका इक्वल है स्टूडेंट्स जो आपके खेलते हैं केवल वॉलीबॉल। केवल वॉलीबॉल मतलब ये एक इक्वेशन आ गया आपके पास, मतलब ये आपका फुटबॉल और वॉलीबॉल वाला ये आपका 4x बन जाएगा, ओनली फुटबॉल के साथ बराबर, ओनली वॉलीबॉल के साथ बराबर। ओके ओके ओके, रुको रुको रुको, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टुगेदर आर इक्वल टू ओनली वॉलीबॉल, सॉरी ओनली वॉलीबॉल यानी कि 2x के साथ बराबर। एक बार कमेंट करना, कंफर्म करना, 2x के साथ बराबर। चलो अब उसने कहा कि स्टूडेंट्स जो आपके खेलते हैं केवल क्रिकेट वो 100 ज्यादा है। किससे? जो स्टूडेंट्स आपके खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल मिलके। मैंने कहा केवल क्रिकेट यानी कि 5x, ये 5x आपका 100 ज्यादा है। किससे? क्रिकेट और फुटबॉल टोटल से। मैंने कहा क्रिकेट और फुटबॉल टोटल कितना है? तो तुमने कहा क्रिकेट और फुटबॉल टोटल ये वाला है, और क्रिकेट और फुटबॉल टोटल कितना, अरे क्या कर रहा हूं मैं, क्रिकेट इधर देख रहा हूं फुटबॉल उधर देख रहा हूं इसको कर रहा हूं, क्रिकेट और फुटबॉल मतलब ये टोटल से। अगर आपका ये 5x किसी से 100 ज्यादा है, मैं जो कह रहा हूं शांति से सुनना। ओके सर सुनूंगा। मैंने कहा आपका अगर ये 5x किसी से 100 ज्यादा है तो जिसकी बात चल रही है वो 5x से 100 कम होगा, मतलब वो 5x माइनस 100 होगा। ओके सर ओके। अगर वो 5x माइनस 100 होगा ये कौन होगा? तो तुमने कहा जो आपके क्रिकेट और फुटबॉल खेलते। मैंने कहा ये वाला? हाँ सर ये वाला। तो ये पूरा का पूरा आपका 5x माइनस 100 होगा। मैंने कहा 5x माइनस 100 से ये अंदर ऑलरेडी 20 बैठा हुआ है। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? 5x माइनस 100 से 20 कम, 80 मत कर देना, 5x माइनस 120। अब सारे के सारे वैल्यूज आपके खूबसूरत बन चुके हैं सिवाय एक, ये 2x हो रहा है, नहीं एक एक्स हो रहा है। आपके पास पूरा का पूरा 440 है। आप दो इक्वेशन लो और सॉल्व करो, और क्या, नहीं तो एक और काम करो, आप जहां जहां वाई है उस वाई को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। सर वाई को कैसे एक्स से रिप्लेस करोगे हमें भी बताओ जरा। मैंने कहा वाई ज्यादा दिख रहा है ना? हाँ सर। तो मैंने कहा एक काम करो, गंदा हो जाएगा, कैसे करें खूबसूरत, कैसे खूबसूरत, चलो वही करते हैं। मैंने कहा क्या ये 20+y 2x है? हाँ सर 20+y 2x तो है। मैंने कहा तो फिर क्या आप मुझे y का वैल्यू बता सकते हो कितना है? तो तुमने कहा 20, हो गया बढ़िया है। तो तुमने कहा 2x माइनस 20। मैंने कहा y का वैल्यू अगर 2x माइनस 20 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 20। हाँ सर लिख लो। और ये क्या लिखा जा सकता है? 2x माइनस 20 से और 20 कम, यानी कि 2x माइनस 40 हो गया सारा का सारा। अब इन सब को ऐड करने से कितना होना चाहिए? 440। मेरे को ऐसे धक धक करेला है, सब सही है तो देख लेते हैं। 5x, 5x, 10x, 4x, 14x, 2x, 16x, 18x, 20x, done, done. Minus 120 और plus 20, 20 cancel होने के बाद minus 100, minus 100, minus 40, minus 140, minus 20, minus 160 is equal to total कितना? 440. 20x कितना add करोगे तो 60, ये हो जाएगा 600. X का value कितना आया? 30 आया क्या? x का वैल्यू कितना आ रहा है? तो तुमने कहा x का वैल्यू 30 आया क्या? किसी का? किसी का भी नहीं आया। x 32 नहीं, x 30 होना चाहिए। किसी का आ रहा है क्या? आया 30 ना? हाँ थैंक यू सो मच। अच्छा चलो, तो x का वैल्यू 30 आने के बाद अब मैं सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। कैसे? कि तुम हो 30 × 5 = 150, तुम हो 30 × 5 = 150 से 120 कम 30, तुम हो 30 × 4 यानी कि 120, तुम हो 30 × 2 = 60 से 20 कम 40, 30 × 2 = 60 से 40 कम 20, 30 × 2 तुम हो साक्षात 60 और ये हो जाएगा 20। तो यही आपके ग्रीन कलर में सारे के सारे वैल्यूज हैं, जो वो परसेंट ऑफ मोर लेस रेशियो एवरेज पूछेगा वो सब कुछ आप लोग निकाल लेना। बस एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप लोग ध्यान रखना सब लोग, क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? अगर आपको बोला जाएगा ये सारे के सारे गेम्स है ना, ओनली वन गेम,
खेलने वाले कितने हैं, तो तुम क्या करना, केवल इन्हीं को ऐड करना जो एक खेलते हैं, 150 और ये 60, 210 और ये 120, हो जाएगा आपके पास 330। अगर आपको बोला जाए एग्जैक्टली टू गेम्स, केवल दो ही गेम खेलते हैं, ना ऊपर ना नीचे, तो तुम इनको ऐड करना, ये जो 30 है, ये जो 20 है, ये जो 40 है, 30, 20, 50 और ये 40, 90। अगर थ्री गेम्स, वो तो पूछेगा नहीं, सवाल में खुद दिया था तो मैं एक बार बता देता हूं, थ्री गेम्स हो जाएगा आपके पास 20। अगर आपको बोला जाए, हाँ सर, अगर आपको बोला जाए कि एटलीस्ट टू गेम, एटलीस्ट टू गेम, तो दो होने से भी चलेगा, तीन होने से भी चलेगा। मैंने कहा दो वाले कितने हैं, तो तुमने कहा 90। मैंने कहा तीन वाले कितने हैं, तो तुमने कहा 20। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 110। क्लियर? इसी तरह से आप इन सवालों का जवाब देना। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको एटमोस्ट टू गेम पूछेगा, एटमोस्ट टू गेम पूछेगा, तो इस सवाल में जब आपने 440 टोटल ऐड करके बनाया, तो जीरो नहीं है, बाहर कोई नहीं है इस वन के, तो तुमने कहा वन भी चलेगा और टू भी चलेगा। वन वाले कितने हैं, 330, टू वाले कितने हैं, 90, ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 420। खत्म, दैट्स इट। उम्मीद करता हूं जितने लोग एंड तक मेरे साथ जुड़े रहे, बहुत ही कम बच्चे रहे, लेकिन जितने लोग एंड तक मेरे साथ जुड़े रहे, उनको पता चला होगा कि मैं आपके लिए अपना बेस्ट लेके आ रहा हूं। सवाल के कंटेंट में कोई कंजूसी नहीं और मेरे जो एनर्जी में कोई कंजूसी नहीं, मैं पूरा कोशिश किया हूं एग्जाम से पहले आपको तैयार करने का, अपना जितना हो सके मैंने बेस्ट दिया हुआ है आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि इस एफर्ट्स को सराहने के लिए आप एक बार सेशन को हो सके तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा।